देख रहे दूर देहात न्यूज में आपके साथ सुमन। गाजियाबाद के नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। गाजियाबाद के सिहानी गेट से एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी निपुण अग्रवाल ने इस बारे में बात करा कि इस घटना की शुरुआत करीब 1 महीने पहले ही हो चुकी थी, जब 10वीं क्लास की एक लड़की को उसके घर के पास के दुकान के मालिक समीर ने अपनी दुकान पर बुलाया और उसके साथ रेप किया। रेप के वारदात का वीडियो दुकान में ही मौजूद आरोपी के चाचा ने अपने मोबाइल में यह वीडियो रिकॉर्ड किया था। इतना ही नहीं, वीडियो डिलीट करने के बहाने लड़की को एक बार फिर से बुलाया गया। 21 मार्च को इस दुकान के अंदर आरोपी समीर, उसका चाचा दीपक और उसके दोस्त स्वयं ने नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया। इस घटना के बाद ही नाबालिग बच्ची घर में हमेशा खामोश रहा करती थी। उसने अपना खाना पीना भी छोड़ दिया था। 24 मार्च को जब घर वालों ने जोर देकर लड़की से इसका कारण पूछा तो तब उसने अपने परिवारजनों को सारी बात बताई। तब जाकर इस पूरी वारदात का खुलासा हुआ है। पीड़ित से मामला सुनने के बाद पीड़ित के परिवारजनों ने यह मामला सिहानी गेट पुलिस थाने में दर्ज कराया है। पीड़ित परिवार से शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इस केस में गैंगरेप की धारा 376 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इसके बाद पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए उनके घर पहुंची है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर से लौटेंगे ऐसे ही देश विदेश की तमाम खबरों के साथ।